सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब इस विषय को ज्यादा ना बढ़ाकर दास उस प्रसंग पर आते हैं कि गीता ज्ञान दाता तो कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके विषय में तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर हम 32 को पढ़ेंगे, ये 32। इस प्रकार यानी 25 से लेकर 31 तक इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी ब्रह्मण मुखे, या गलत कर दिया ने वेद की वाणी। देखिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्वयं ब्रह्मण माने, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अब यहाँ ओम ओम तत् तत् सत सत, ये दो सांकेतिक शब्द हैं, दास बताएगा। इति यह तीन प्रकार का सचिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यहाँ सच ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से अन्य है, तो यहाँ इन्होंने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनरच कर दिया, इस ब्रह्मणे शब्द है ब्रह्मणे मुखे एवं विभुविदा, इस प्रकार बहुत प्रकार की यज्ञ मान धार्मिक अनुष्ठान वितिता मान विस्तार पूर्वक ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोले गए हैं, वो तत्व ज्ञान है। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहाँ लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान, जैसा भी होने वाला जान, इस प्रकार तत्व से जान कर तू उनके अनुष्ठान द्वारा उस साधना के द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यहां देखिएगा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है गीता ज्ञान दाता ने, उस ज्ञान को वो तत्व ज्ञान है जो सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला है, वो कबीर वाणी, वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी ने, तत्वदर्शी ने माने तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञान दाता कहता है सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र ओम तत्सत, ये उसकी साधना है और तत्वदर्शी संत बतावेगा। ओम तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा सार्वजनिक है, तत् और सत सांकेतिक इसको पता नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों के विषय लिए छोड़ दिया, वो इस दास को पता है, परमात्मा ने बताया है। तो इन तीनों के जाप करने से मोक्ष होगा, पूर्ण परमात्मा प्राप्ति होगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के
चौथे श्लोक में आपने पढ़ ही लिया कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को बड़ी बात जानना चाहिए, खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ, और उस परमेश्वर का ही पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसका ही सिद्ध अपने आत्माओं, इन शंकराचार्यों का ज्ञान फेल हुआ, अपुनात्माओं ये दास अभिमान से नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान ना तो इन शंकराचार्यों का बनाया हुआ, ये तो वेदों और गीता और पुराणों में लिखा है, ये उसको समझ नहीं सके दास, समझ गया बस इतनी सी बात है। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठी करण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी, अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के चारों के पास, हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें, ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था, इन्होंने हमारे को। ये पत्र प्राप्त किया प्रेमचंद्र उपाध्याय प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और दो चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा इन्हीं पत्रों में है, ये इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक तो एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा, लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। तो पुण्यात्माओं, एक भक्त जो वहाँ गया था जोशी मठ में, तो उसने वो श्री स्वरूपानंद जी तो स्वयं तो मिले नहीं, उनके प्रबंधक से उनको साइन ले आए थे, तो एक और मिले थे श्री माधव आश्रम जी शंकराचार्य, उसके विषय में उस भक्त ने बताया कि वहाँ के व्यक्ति बता रहे थे और वो कह रहे थे कि इस श्री माधव आश्रम जी ने श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। अब देखो वो कौन है, ये देखिएगा, ये है वर्तोत्सव प्रो निर्णायक पत्रिका, ये उन्होंने कोई छापी है, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, श्री हरि,
ये इनका नारा है। ये है श्री माधव आश्रम जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर। ये कहते हैं मैं अधिकारी, ये वो अपना अधिकार मानते हैं उस पर। ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री मजद गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय श्री कृष्ण बौद्ध धाम सात शंकराचार्य मार्ग सिविल लाइन दिल्ली चम्मन से दिया यहाँ छपी है। और इनका भगवान कौन है, ये इनके भगवान देखिएगा। समाचार पत्र पंजीकृत धर्म सम्राट, ये नाम कोई है इनका। जगत गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज बद्रिकाश्रम हिमालय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, ये इनके पूज्य देवता है भगवान राम परिवार। अब न्यो कह है, वो वहां के लोग कह रहे थे कि इसने श्री माधव आश्रम जी ने, इसका नाम है आदरणीय शंकराचार्य का माधव आश्रम जी महाराज, इन्होंने स्वरूपानंद जी को राय दिया और पूजा इन किया है। ये इनके भगवान, इन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी, इन तीनों देवताओं की पूजा श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर मना किया है सातवें अध्याय के 10 से लेकर 12 और 20 से लेकर 23 के श्लोक में, वो आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। और ये उन्हीं की पूजा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको सत्संग मिला इस बरवाला आश्रम में। पूरे विश्व में कहीं भी सत्संग नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।